प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चर्चा की आज राज्यों के साथ, कितनी तैयार हैं राज्य सरकारें टीकाकरण के लिए? हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले आपको अभिनंदन कि देश के इस बड़े महाअभियान को आप प्रजा समक्ष ले जा रहे हो। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से लेके आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टरों के साथ बहुत गहराई से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की है, रिव्यू किया है, मार्गदर्शन दिया है और सजेशन भी लिया है। आज पीएम साहब ने 12वीं बार देश के सभी चीफ मिनिस्टरों से बात की और 16 तारीख से जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में शुरू हो रहा है उसके बारे में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके उन्होंने पूरी कामगिरी का, कार्यवाही का, आयोजन का रिव्यू किया। और गुजरात सरकार की ओर से भी हमने बताया कि पूरे गुजरात में 25,000 से ज़्यादा बूथ वैक्सीनेशन देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर हमने तय कर दिए हैं। उनकी जगह सिलेक्ट हो गई है, वहाँ सब सुविधा हो गई है। वैक्सीन देने वाले हमारे जो कर्मी है हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको भी हमने सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और अब तक हमने बार बार उसका ट्रायल बेस पर उसका ऑपरेशन का वो टेस्ट भी किया है और ड्राई जो हमारा रिव्यू है वो भी किया है और ड्राई वैक्सीनेशन का भी हमने ट्रायल किया है। गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में और सभी तहसील में इस प्रकार की कामगिरी हमने कर दी है और सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर जो स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है उन सबको हमने पूर्ण तरह तालीम दी है, ट्रेनिंग दी है और उनका सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हमारे भारत सरकार के द्वारा और गुजरात सरकार के द्वारा उनकी जो व्यवस्था है वो भी हमने कर दी है, उसका लिस्ट भी भारत सरकार को भेज दिया है। और वैक्सीनेशन को रखने के लिए 1 करोड़ डोज अगर गुजरात पे रखने पड़े तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन भी पूरी तरह हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से 16 तारीख से भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 287 सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और उस दिन पर सेंटर करीबन 20,000 से ज़्यादा सेंटर पर एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को हम वैक्सीन देंगे। इस प्रकार की संपूर्ण तैयारी हमारी गुजरात सरकार ने कर दी है। ब्रिटेन में, यूएस में एक दिन में 2.25 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। राजेश टोपे साहब, भारत में क्या हमने इस बात को लेके कोई अनुमान तैयार किया है कि पर डे कितने टीके हम लगाना चाहते हैं? देखिए महाराष्ट्र में जैसा कि अभी गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी है वो, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की तरफ से कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल हुआ है और सभी जो रिसोर्सेस है जैसा कि कोल्ड चेन, ट्रेंड मैन पावर यानी वैक्सीनेटर्स और हमारे पूरे जिला प्रशासन सभी तैयार है और 511 सेंटर्स पे पर सेंटर 100 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 × 100 तो 50,000 इतने हम रोज यानी पहले दिन में 16th of January में जो शुरू होगा उस दिन हम उतना करने का टारगेट रखे हैं। और अगर हमारे को जो वैक्सीन मिलने वाला है, जो डोज मिलने वाला है उसमें अगर कोई कटौती नहीं हुई है होती है तो फिर हम रेगुलरली जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उतना रोज करने के हमारे टारगेट्स रहेंगे क्योंकि कोई भी रिसोर्स हमारे पास कोई कमियां नहीं है। कोल्ड चेन इन प्लेस है, ट्रेंड लेबर, ट्रेंड मैनपावर इन प्लेस है। एक ही है कि ये वॉलंटरी है और वॉलंटरी होने के नाते पता नहीं कि कितने लोग इसमें ना भी बोल सकते, रिफ्यूजल भी दे सकते। आपका राज्य सबसे प्रभावित राज्यों में से एक रहा, आपने कुछ डिमांड रखी है सरकार के सामने कि हमको इतने वैक्सीन लगाने हैं कम से कम इतने करोड़? नहीं, हमने इतना कहा है कि आज करीबन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो है
उसमें हमने 8 लाख लोगों को कोविन ऐप पे अपलोड किया है। तो हम चाहेंगे कि 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डोसेस, तो 8 दुने 16 लाख हमारे को मिलना चाहिए।